जिसे हम मकर केंद्र बोलते हैं, पता नहीं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। देखो व्यू कितना अच्छा आ रहा है। ये मधुमक्खी, हाँ मधुमक्खी का छत्ते का रस है ना, हाँ ये वो है, ठीक है ओरिजिनल नो मिलावट, मैंने खाती का। और हमारा गांव बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत 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 सुंदर है। ये क्या है फ्रूट? महुआ। अच्छा तो इसे डोरी बोलते हैं। हाँ तो फिर इसे करते क्या है? इसके बीज से तेल निकालते। हाँ मैंने वहाँ पर देखा था। और इस तेल का क्या इस्तेमाल करते हैं? खाने में? खाने में भी यूज होता है और लगाने। अच्छा अधिक तो खला नहीं है। हाँ ठीक है तो चलते हैं हम नीचे की तरफ गंगुडुबा। हाय गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैंने जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग जा रहे हैं गंगुडुबा की तरफ जो कि छोटी सी नदी है, ठीक है वहाँ पर जा रहे हैं हम लोग। तो अब लोग हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा ऊपर। हाँ हाँ मगर ऊपर से हम नीचे की तरफ जाएंगे ना, जहाँ से जाने की बात कर रहे थे वहाँ से फिसलने का पूरा पूरा डर है, तो ऐसी जगह से जाना ही नहीं हम लोगों को। मेरे लिए ऊपर चढ़ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि मैंने कभी ट्रैकिंग की नहीं है, ठीक है मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि मैं सच में कोई ट्रैकिंग कर रही हूँ, बट ठीक है यार इस चीज़ को भी मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही हूँ। पता नहीं लोग कैसे चल लेते हैं, तो मेरे को तो इतना आदत ही नहीं रहा शहरों में रह रहे के ना, बस ये हो गया कि मतलब नहीं अपन को तो रिक्शा चाहिए, अपन को तो ऑटो चाहिए, वो वाला सीन हो जाता है। तो यहाँ पर चलना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, ऊपर से ये फ़ोन को पकड़ के रखना और सामने भी देखना ये सारी चीज़ें, बट ठीक है मैं कैसे ना कैसे मैनेज कर रही हूँ और मैं स्तुति को फॉलो करती जा रही हूँ। अब यहाँ से हमें नीचे जाना है जहाँ से स्तुति जा रही है, ऐसे करके मेरे को ऐसे रास्ते हैं यहाँ के, यहीं से मुझे नीचे जाना है, वो भी ध्यान से एक एक पैर संभाल के। यहाँ पर मैंने बोल तो दिया एक एक पैर संभाल के, बट मेरा पैर यहाँ पर सच में फिसल रहा था, बट मैंने कैसे ना कैसे अपने को संभाल लिया और वो चीज़ बस कैमरा थोड़ा सा हिल गया तो उसके अंदर आया नहीं वो चीज़। यहाँ हम लोग ना नहाने आते थे सब लोग, ये देखो कैसे हम यहाँ ऊपर से चलते हुए आ रहे हैं ऐसे करके, ये नीचे की तरफ रास्ता है, नीचे जाना है हमें ऐसे। एक सेकेंड मछली भी पकड़ते हैं, रुको वो तो पहुंच भी गई, देखो वहां खड़ी है। मैं यहां से आराम से आ जा रही हूँ, ये देखो यहां से कुछ व्यू ऐसे दिखता है और यहाँ मैं ऊपर से आई हूँ ये ऐसे करके, ये देखो यहाँ पर ऐसे। अब आप इंजॉय करो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, ठीक है अगर बोलूंगी बीच बीच में, ठीक है ये देखो पानी, बस थोड़ा गर्मी के चक्कर में पानी गंदा हो गया है, वरना ये पानी बहुत साफ रहता है। और ये ऊपर की साइड हम लोग ना ऊपर की साइड कपड़े सुखाते थे और इधर तो पूरा ही सूख गया है, पूरा ही सूख गया है इस साइड। चलो उधर चलते हैं, मैंने कहा ना बस गर्मी के चक्कर में पानी गंदा हो चुका है, बाकी पानी बहुत साफ रहता है, इसलिए तो मैं यहाँ पर नहाने के लिए नहीं आती हूँ गर्मी में, वैसे मैं पहली बार ही आई हूँ। ध्यान से चलना है नीचे देख देख के, और यहाँ पर स्तुति खड़ी हुई है। पानी में जाना? हाँ नीचे जाना था।
हम उस साइड ऊपर की तरफ थे ना। हाँ तुमको पहले देख रही हूँ मैं, ये देखो ऐसा लग रहा है ऊपर से देखने में, पानी की आवाज। अब तो ये पानी बिल्कुल ही सूख गया, मेरे को तो लगता था बहुत ज़्यादा पानी है, बहुत ज़्यादा गहरा है, मेरे को तो इतना डर लगता था इस पानी में आने के लिए, बहुत ज़्यादा डर लगता था। अब तो बिल्कुल ही पानी ही नहीं बचा, तो कम से कम मैं इस पानी के अंदर अब उतर तो पाऊँगी ना। उस टाइम इतना पानी था ना कि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती थी इस पानी में उतरने की। अब मैं भी चलती हूँ फटाफट पानी में, क्योंकि स्तुति तो पानी में जा चुकी है, अब मैं उसके साथ थोड़ा सा इन्जॉय करती हूँ। पहले पानी गहरा था तो मेरा डर था, अब पानी कम है तो मेरा डर बिल्कुल नहीं है। अरे वो तो पूरा पानी में चली गई, रुको मैं भी आ रही हूँ पानी में। हम लोग एक्चुअली आगे की तरफ जा रहे थे, तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ी देर बाद जाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे पानी में बैठ के ना थोड़ा सा हम लोग मस्ती करते हैं, क्योंकि मेरे को तो ये मौका मिलता ही नहीं दिल्ली में, कहाँ नदी कहाँ पर क्या, यहाँ पे तो कुछ होता ही नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग काफ़ी देर तक बैठे रहे, मतलब अच्छा खासा मैंने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया है, और पानी में मतलब पैर मार रही हूँ कभी हाथ, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, ठीक है। और ऊपर से मैं कपड़े भी नहीं लेके आई थी कि मैं थोड़ा सा नहा सकूँ पानी में, बट कोई नहीं, बट मैंने जैसे इन्जॉय करना था मैंने वो चीज़ किया, वो भी बहुत अच्छे से। तो अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, वो जो उधर नदी है ना जिस साइड हम लोगों को जाना था, तो अब हम लोग वहाँ जा रहे हैं पानी के अंदर, क्योंकि वो थोड़ा सा डीप है, ठीक है। जिसमें थोड़ा कम डीप है हम उसी साइड जाएंगे, जहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा गहरा है उस साइड नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है पानी से। तो यहाँ पर हम लोग पानी के अंदर उतर गए, यहाँ पर भी मैंने स्तुति का हाथ पकड़ रहा है, लिटरली मेरे को इतना ज़्यादा डर लग रहा था ना पानी में, मुझे पता है कितना गहरा नहीं है, ज़्यादा तक मतलब मेरी कमर तक होगा शायद, या उससे थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है, बट गहरे साइड हम लोग गए नहीं थे, तो मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैंने स्तुति मेरा हाथ मत छोड़ा, मैंने लिटरली उसका हाथ इतनी ज़ोर से पकड़ के रखा है ना, बेचारी मूव भी नहीं कर पा रही ढंग से मेरी वजह से, बट मैं क्या करूँ, मैं डरती हूँ तो डरती हूँ पानी से, क्योंकि मैंने स्विमिंग सीखी नहीं है, तो मुझे आती भी नहीं है वो वाली चीज़ है। और मैं यहाँ पर आराम से बैठी हुई हूँ पानी के साथ, थोड़ी सी मस्ती कर रही हूँ, पानी को थोड़ा सा उछाल रही हूँ, मतलब मेरा थोड़ा सा स्लो मोशन भी बन जाए फ़ोन में, थोड़ा सा रील वील यू नो, तो वो चीज़ है। और यहाँ पर मेरे मामू भी आ गए, वो जंगल गए थे किसी काम से, तो फिर हम लोग मामू के साथ ही यहाँ पर रहे कुछ टाइम के लिए। मकर के इसको नहीं, अभी पकेगा, अभी नहीं पकेगा, जनवरी फरवरी में ही इसका होगा, जेठ में ही पकता है, साल भर लगता है। गर्मी नी जेठ तो सावा पौने नुन्दा कंफ्यूज मने अभी जेठ इसे हम मकड़ केंदा बोलते हैं, पता नहीं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ये अभी बालक है
इसे काट के बेचते भी। चलो मामू आए, मामू हमें लेके जा रहे हैं। बाय बाय। और अब सनसेट हो रहा है और देखो व्यू कितना अच्छा आ रहा है। हाँ बेटा, और हम लोग निकल चुके हैं, घर जा रहे हैं। अब कितना सुंदर लग रहा है ना। और ये मेरे मामू और स्तुति चल रहे हैं आगे आगे। हाँ वो देखो, और हम लोग घर की ओर चलते हुए, क्योंकि अब खाना बनाना है। ये मधुमक्खी, हाँ मधुमक्खी का छत्ते का रस है ना, हाँ ये वो है, ठीक है, ओरिजिनल, नो मिलावट। मैंने खाती, काजल को बहुत ज्यादा पसंद है। काजल ये तुम्हारे लिए। माला इधर मम्मी पानी में, कभी गई नहीं थी, लग गया रहा था। कुआं जाने का सड़क, इधर जो भी जाता है, पापा, बड़ी बहन, और इधर बीच में हम लोग का घर। ये मेरा घर की जगह का पेड़ है, बगल घर। शरीफा का पेड़, इसमें फूल लगे हुए हैं। हाँ, अक्टूबर नवंबर में पक जाते हैं, और यहाँ खाने में बहुत मीठा। और यहाँ पर खपरा है, यहाँ पर खपरा बैठ जाती हूँ, थोड़ा बैठ रही हूँ। मिट्टी का बना हुआ है, बोलो मिट्टी का, मिट्टी से बना हुआ है, जिसे पकाया गया है ताकि ना टूटे, ना भीगे, ना भीगे, ना भींगे, गीला ना हो जाए और ना टूटे, इसलिए। और हमारा गांव बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत 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 सुंदर है, ठीक है। सामने से गिरजा का घर दिख रहा है, वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। गिरजा बहुत सुंदर। ये रहा हम लोग का घर, ये रहा पूरा घर है, पूरा घर, ठीक है। तो अभी का वीडियो हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, यहाँ का ब्लॉग, ठीक है। अब नेक्स्ट ब्लॉग हम बाद में बनाएंगे। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा हो तो आपको क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।